कहानी संग्रह अंधेरे पर अंधेरा लड़ाई, अंधेरे पर अंधेरा लड़ाई नाटक है हमारा बकरी। सरेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक कौन सा है? बकरी। अब है बाल साहित्य। क्या है? बाल साहित्य। भो भो खो खो कल फिर भात आएगा। बाल साहित्य क्या लिखा है इन्होंने? भो भो खो खो कल फिर भात आएगा। लाख की नाक, देखी लाख की नाक। बतूता का जूता, क्या बताया? बतूता का जूता। राजबहादुर और रानी रूपमती, राजबहादुर और रानी रूपमती। फिर है लेख संग्रह। अगला क्या है? लेख संग्रह। चर्चे और चरखे, चर्चे और चरखे। पुरस्कार एवं सम्मान, क्या है हमारा पुरस्कार? यानी कि सरेश्वर दयाल सक्सेना को किन किन पुरस्कारों से और किन किन सम्मानों से सम्मानित किया गया? भारत सरकार ने पुरस्कार एवं सम्मान साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला है हमारा साहित्यिक विशेषताएं। ये तो थी इनकी मुख्य काव्य रचनाएं। अब हमारी चलती है साहित्यिक विशेषताएं। सरेश्वर दयाल सक्सेना की साहित्यिक विशेषताएं कौन कौन सी हैं? श्री सक्सेना जी गद्य लेखन की अपेक्षा कवि के रूप में अधिक जाने जाते हैं। क्या बताया? श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना गद्य रूप की अपेक्षा कवि के रूप में अधिक जाने जाते हैं। इनके काव्य में नई कविता की तमाम विशेषताएं दिखाई देती है। यानी कि जो नई कविताएं लिखी गई है आधुनिक युग में, उनकी तमाम विशेषताएं दिखाई देती है। ये लोकोन्मुख, लोकोन्मुख है, लोक से ऊपर उठकर साहित्यकार है। इन्होंने अपने साहित्य में लोक जीवन का बड़ा सहज और स्वाभाविक चित्रण किया है। क्या बताया? इन्होंने अपने साहित्य में लोक जीवन यानी संसार के बारे में का बड़ा सहज और स्वाभाविक चित्रण किया है। इन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं, वर्ग होते तीन, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। तो निम्न वर्ग सबसे नीचा, उच्च वर्ग सबसे बड़ा और मध्यम वर्ग होता है बीच का। तो मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं, आकांक्षाओं का मतलब होता है यहाँ पर इच्छाओं, मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति प्रदान की है। इनके साहित्य में अहम एवं रोमांच, चिंतन एवं व्यंग्य, महत्वाकांक्षा एवं हताशा। देखिए एक दूसरे की विपरीत है। क्या? इनके साहित्य में अहम एवं रोमांस, ठीक है, चिंतन एवं व्यंग्य, महत्वाकांक्षा एवं हताशा। हताशा का अर्थ होता है निराशा, आस्था एवं कुंठा। किस चीज में आस्था रखना और कुंठा किस चीज पीड़ित होना? जैसे एक दूसरे की विपरीत भावों को खुलकर प्रकट होने का मौका मिला है, ठीक है। इनके साहित्य में प्रकृति सौंदर्य का खुलकर सहज एवं स्वाभाविक चित्रण हुआ है। कौन से का? प्रकृति सौंदर्य का खुलकर सहज एवं स्वाभाविक चित्रण हुआ है। ये शोषित तथा दलित वर्ग को सक्रिय करने का प्रयास करते हैं। क्या बताया? शोषित तथा दलित वर्ग को सक्रिय करने का प्रयास करते हैं, साथ ही परंपरावादियों का विरोध भी करते हैं। जो परंपरा में विश्वास करते हैं उनका भी विरोध करते हैं। ये आत्म पीड़ा के अनुभव से जीवन की महानता को छूना चाहते हैं। क्या बताया? आत्म पीड़ा, जो आत्मा में पीड़ा होती है, के अनुभव से जीवन की महानता, यानी कि जीवन जो महानताएं होती हैं उनको छूना चाहते हैं। लिहाजा इनके साहित्य में कोरा बुद्धिवाद ही नहीं वरने हृदय को छूने वाली कोमल भावनाएं भी हैं। क्या कहते हैं? लिहाजा आमतौर पर इनके साहित्य में कोरा बुद्धिवाद यानी कि बुद्धि के कार्य ही नहीं है वरने हृदय को छूने वाले, जो हमारे हृदय को पिंगाल देते हैं, ऐसी बातें जो होती है द्रवित कर देती है, जिनको हम जिन कष्टों को देखकर हम फूट फूट कर रोने लगते हैं, हृदय को छूने वाली कोमल भावनाएं भी हैं। इनका साहित्य जितना रोमांटिक है उतना ही यथार्थवादी करुणा एवं व्यंग्य इनके साहित्य सर्वप्रमुख है गुण है। क्या बताया? इनका साहित्य जितना रोमांटिक है, रोमांच उत्पन्न करने वाला, उतना ही यथार्थवादी, सामना करना
करुण एम व्यंग्य इनके साहित्य सर्वप्रमुख गुण हैं। अगली आती है भाषा शैली। श्री सक्सेना जी की भाषा साहित्य खड़ी बोली है, कौन सी है? श्री सक्सेना जी की भाषा साहित्य खड़ी बोली है। इनका शब्द चयन विषयानुसार है, क्या है? विषयानुसार। ग्रामीण अंचल का वर्णन समय जाएं की शब्दावली देशज शब्दों से युक्त हो जाती है। वहाँ बौद्धिक विषयों, सामान्य शहरी परिवेश के विषयों में भी इनकी शब्दावली तत्सम एवं तद्भव प्रधान रहती है। क्या बताया? तत्सम एवं तद्भव प्रधान रहती है। प्रसाद गुण इनकी भाषा में सर्वत्र व्याप्त है। प्रसाद गुण इनकी भाषा में सर्वत्र यानी कि हर जगह मौजूद, सभी जगह। ये बिंबों के प्रयोग से अपनी भाषा को सजीव बनाने का प्रयास सर्वत्र करते हुए दिखाई देते हैं। इनका वाक्य विनाश सहज सरल एवं रोचक है। विवरणात्मक, चित्रात्मक, भावात्मक शैलियों के कारण इनकी प्रसिद्धि है। चित्रात्मक शैली के लिए तो ये विख्यात है। तो ये थी इनकी भाषा शैली। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के जीवन परिचय के बारे में इतना ही है। मुझे पूर्ण आशा है कि आप अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे। जय हिंद, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।